नमस्कार आदाब सस्काल स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ वाई में और आज हम आई के 100 एम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आई होप कि ये क्लास आपके लिए एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है सो लेट्स स्टार्ट और मैं इस क्लास को थोड़ा सा स्पीड में कवर करूँगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो मैं चाहता हूँ कि आपको टाइम कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ जो कि आपके एग्जाम के लिए सहायक साबित हो अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है पहला क्वेश्चन वॉट आर द टू मोड्स दैट द पिन मोड मैथड सेट्स फॉर आ पर्टिकुलर पिन पिन मोड में वो जो पिन मोड मेथड है इसमें दो मोड वो कौन कौन से हैं जो कि हम पर्टिकुलर पिन को असाइन करते हैं तो आंसर आएगा इनपुट और आउटपुट फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सेंसर है और सेंसर को आपने मान लीजिए ए ज़ीरो इस पिन पे कनेक्ट कर दिया तो आप यहाँ पर लिखोगे ए ज़ीरो मीन्स कि आपने उस डिवाइस को उस पार्ट को उस हार्डवेयर को किस पिन पे कनेक्ट किया है वो सबसे पहले आप स्पेसिफाई करोगे कॉमा लगाओगे उसके बाद उस पिन को आप एज़ आ इनपुट या फिर एज़ आउटपुट यूज़ कर रहे हो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होता है तो जो पिन मोड मेथड है इसकी दो पॉसिबल वैल्यू हैं इनपुट और आउटपुट और जो पिन मोड है ये दो आर्गूमेंट लेता है सबसे पहले पिन नंबर उसके बाद में मोड टी एक्स का मतलब होता है ट्रांसफर आर एक्स का मतलब होता है रिसीवर नेक्स्ट द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज इन ब्लूटूथ तकनीक किसमें यूज होती है तो आजकल जो वायरलेस कीबोर्ड हैं माउस हैं या फिर हेडफोन्स हैं उन सभी में यूज होती है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ को हम सॉल्ट में बोलते हैं बीटी और जो ब्लूटूथ है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन में इसका यूज़ किया जाता है साथ ही साथ यहाँ पर ब्लूटूथ की बात आई है तो आपसे पूछ लेता है ब्लूटूथ 5.0 में क्या फीचर्स हैं या फिर इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं तो आप याद रखें ब्लूटूथ 5.0 जो ये मॉड्यूल है इसमें 2x स्पीड एट एक्स डेटा और फोर एक्स रेंज मिलती है इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए साथ ही साथ ब्लूटूथ से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि जो इंटर रिलेटेड पिकोनेट का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं तो आंसर आएगा सर स्कैटर नेट बोलते हैं नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शेड्यूलर लाइब्रेरी शेड्यूलर लाइब्रेरी का कार्य क्या है तो अगर आपको फंक्शन को पैरेलल एग्जीक्यूट करवाना है तो आप इस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन सी राइट right आंसर हो जाएगा जबकि जो ये लाइब्रेरी है ये आरडिनो को सपोर्ट नहीं करती है बल्कि जो ये सीड्यूलर लाइब्रेरी है ये आरडिनो का जो एक आता है जीरो वर्जन या फिर आरडिनो डीओ इन दोनों के साथ में काम करती है फोर BLE का फुल फॉर्म क्या होता है तो BLE का फुल फॉर्म ब्लूटूथ लो एनर्जी होता है ऑप्शन भी राइट right आंसर हो जाएगा और इसका यूज़ हम लोग वायरलेस नेटवर्क में करते हैं और दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क फाइव ब्लूटूथ सपोर्ट ब्लूटूथ क्या सपोर्ट करता है तो ब्लूटूथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी मल्टी पॉइंट कनेक्शन इन दोनों को सपोर्ट करता है ऑप्शन सी राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्स मशीन लर्निंग इन्वेंटेड बाय जो एम है जिसको आप बोलते हो मशीन लर्निंग इसे किसके द्वारा बनाया गया इन्वेंट किया गया आंसर आएगा सर अर्थुर सेमुअल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा चूंकि यहां पर एम आया है तो यहां से एक संबंधित शब्द है दैट इज ए तो ए का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और ए के जो पापा हैं आई फादर ऑफ ए आई हैं दैट इज जॉन एम सी कार्थी ऑप्शन नंबर इसमें डी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मशीन लर्निंग के बारे में बातचीत की गई है द डॉक्यूमेंट दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद इन organization इज कॉल्ड वह दस्तावेज जो कि किसी किसी संस्थान के अंदर संवाद करने के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज मेमो और मेमो को हम लोग मेमोरेंडम भी बोलते हैं और जो ईमेल है इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इस बात को आप याद रखें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी कम्युनिकेशन बिजनेस पर्पज़ के लिए होता है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड जो फॉर्मल लेटर हैं मेमोज़ हैं सर्कुलर हैं ये सभी बिजनेस कम्युनिकेशन के एग्ज़ाम्पल हैं मेमो को हम लोग मेमोरेंडम भी कहते हैं और ये दस्तावेज है जो कि किसी भी संस्था में इंटरनली कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है एक टर्म आपने सुना होगा एजेंडा एजेंडे का मतलब यह है कि जो आप मीटिंग करने वाले हो उस मीटिंग में आप कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करोगे दैट इज कॉल्ड एजेंडा नेक्स्ट एट वॉट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर एम क्यू टी टी जो एम क्यू टी टी है चूंकि ये प्रोटोकॉल है और आपसे पूछता है कि जो एम क्यू टी टी है इसका फॉर्म क्या है तो मैसेज क्वी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एम क्यू टी टी का फुल फॉर्म होता है और इसे आप एम क्यू ट्रांसपोर्ट के नाम से भी बुलाते हो और ये अप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पर आधारित है तो जो सिक्योर एम क्यू टी टी है ये डबल एट और एट थ्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस पोर्ट काम करता है सिक्योर कनेक्शन को इस्टैब्लिश करने के लिए और ध्यान दीजिएगा जो एम है ये आई ए एन ए इसमें रजिस्टर्ड है और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि आई ए एन ए का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी आई ए एन ए का होता है आपको यहां पर कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं लाइक बी जी पी डी एच सी पी हाँ इसको आप ध्यान रखें जो डी एच सी पी है इसका फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल होता है बेसिकली इसका काम होता है कि जो भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उनको डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना ये पूछता है आपसे देन डीएनएस तो आप जानते हो कि आईपी एड्रेस को डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना इसी प्रकार से एफटीपी तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट नंबर 20 और 21 को यूज करता है इसी प्रकार से एच तो आपको पता है कि हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि पोर्ट नंबर एट्टी का यूज करता है एच यानी कि हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर आई आर सी इंटरनेट रिले चैट एल डी एपी एमजीसीपी एम क्यू टी टी एनएनटीपी एन टी पी ओ एसपीएफ पॉप पीटीपी आर टी पी आर टी एस पी आरआईपी एस आई पी एस एम टीपी एस एन एम पी एस एस एच यानी कि सिक्योर सेल टेलनेट हाँ, टेलनेट से पूछता है कि जो टेलनेट है वो कौन सा प्रोटोकॉल है तो आंसर आएगा कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और इसका यूज़ रिमोट लॉगिन में यूज़ किया जाता है एक्स जो कि प्रोटोकॉल है ये भी एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है टी सी ध्यान दीजिए आपसे पूछ लेता है कि टी कैसा प्रोटोकॉल है तो आंसर आएगा टी सी पी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जबकि यू डी पी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है डी सी सी पी एस सी टी पी आर एस बी पी ये सारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं जबकि जो आई पी है यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है चाहे वो वर्ज़न फोर हो या वर्ज़न सिक्स हो ये दोनों ही इंटरनेट लेयर पे काम करते हैं आई सी एम पी एन डी पी ई सी एन हालांकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट आई पी सेक आईपी से का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी और ध्यान दीजिए जो आई फोर है ये थर्टी टू बिट का होता है और इसमें जो एड्रेस होता है उसे डॉट जिसको बोलते हैं पीरियड इसके द्वारा सेपरेट किया जाता है जबकि जो आई सिक्स है इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स है आपसे पूछता है कि जो आई पी वी सिक्स है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है साथ ही साथ आई ओ टी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल का वर्जन कौन सा है आई पी वी फोर या आई पी वी सिक्स इन दोनों के आंसर आपको कमेंट करने हैं नेक्स्ट जो मैक है जो मैक एड्रेस है दैट इज़ फोर्टी एट बिट Length, इसकी लेंथ होती है और जो मैक एड्रेस है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है एल एल सी ये भी डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है मैक का फुल फॉर्म मीडियम मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है जिसे हम फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं इस बात को आप याद रखें जो आईपी एड्रेस है इसे हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस और जो मैक एड्रेस है इसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस आपको मिलेगा डेटा लिंक लेयर में और जो आईपी एड्रेस है ये मिलेगा आपको इंटरनेट लेयर में एक बात और कि आपसे पूछता है कि जो राउटर होता है वो किस लेयर पे काम करता है तो राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है नाइन विच आर द फॉलोइंग द एप्लीकेशन्स ऑफ स्मोक सेंसर स्मोक सेंसर के इनमें से कौन से अनुप्रयोग हैं तो आप किचन में यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल आग लग गई धुआं निकलने लगा तो जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा इसी प्रकार से जो भी इंडस्ट्री होती हैं लैब्स होती हैं उन सभी में यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा टेन विच आर्किटेक्चर इज फॉलोड बाई जनरल माइक्रोप्रोसेसर जो भी नॉर्मली माइक्रोप्रोसेसर होते हैं वो कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं तो आंसर आएगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑप्शन भी राइट right आंसर हो जाएगा आई होप की आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब आपको इसके बाद में प्रैक्टिकल की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएंगी जैसे मैं गाँव से लौट के आऊँगा तो मैं आपको तुरंत क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा वॉट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ फॉरलूप आपने यूज किया होगा फॉर लूप वाई लूप डू वाई लूप तो जो फॉर लूप होता है उसका सेंटेक्स होता है सबसे पहले आपको लिखना होता है फॉर लूप टिक फॉर की इसके बाद में ब्रेकेट के अंदर सबसे पहले आप करते हो इनिशलाइजेशन देन आती है कंडीशन इसके बाद में इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है ये आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना होता है तो आप ये कह सकते हो जो सिंटेक्स है कुछ इस प्रकार से होता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ध्यान दें सर फॉर लूप और वाइल लूप ये दोनों एंट्री कंट्रोल्ड लूप हैं मीन्स इन दोनों ही लूप में सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है देन उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं नंबर दो जो डू वाई लूप है ये एग्ज़िट कंट्रोल्ड लूप है या बोल सकते हो बॉटम टेस्टेड लूप है मीन्स इसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बाद में कंडीशन चेक होती है आपसे पूछ लेता है कि जो फॉर लूप है या कोई भी लूप हो अगर कोई लूप इन्फिनाइट है तो उसको हम किसके द्वारा ख़त्म कर सकते हैं टर्मिनेट कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा सर ब्रेक कीवर्ड की, की सहायता से ये काम बाखूबी कर सकते हैं नेक्स्ट आईडीई का फुल फॉर्म तो आईडीई का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी मात्रा में डिवाइसेस आई से कनेक्ट हैं जो कि आपस में ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर के तो इसको आप क्या बोलोगे तो इसको बोलेंगे एम टू एम यानी कि मशीन टू मशीन एक होता है आई यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डब्ल्यू वेब ऑफ थिंग्स तो इनको भी आप याद रखें आई आई ओ टी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेक्स्ट फोर्टीन इज आ कलेक्शन ऑफ वायर्ड इथरनेट स्टैंडर्ड फॉर द लिंक लेयर लिंक लेयर पे जो इथरनेट है ये वर्क करता है और जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं टेक्नोलॉजी होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता है तो जो जो इथरनेट है इसका स्टैंडर्ड क्या है बताइए तो बिल्कुल सिंपल है इसमें आप टिक कर देंगे 802.e ये स्टैंडर्ड है और आपसे आई ट्रिपल ई का फुल फॉर्म भी पूछता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म होता है इसको आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ये रहा आपके सामने आरडिनो आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं तो जो आरडिनो ऊनो है ये आरडिनो की एक फैमिली है जिसमें आपको यहाँ पर मिलती है 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेंगी छः एनालॉग पिन जो ये आपको ब्लैक कलर का चिप दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर और जो आरडिनो ऊनो है इसमें एटी मेगा थ्री टू एट पी इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है जो कि एट बिट का होता है और इसमें तीन ग्राउंड पोर्ट होते हैं एक दो तीन मीन्स तीन ग्राउंड पिन होती हैं और एक होती है ए आर एफ पिन मीन्स एनालॉग रेफरेंस पिन और साथ ही साथ पिन नंबर थ्री पिन नंबर फाइव पिन नंबर सिक्स नाइन टेन और एलेवन टोटल छः पिन होती हैं जो कि पी डब्ल्यू एम पिन होती हैं और पी डब्ल्यू एम का फुलफॉर्म पल्स विद मॉडुलेशन होता है विद नहीं है विड्थ है विड्थ ठीक है और जीरो का मतलब होता है आर एक्स मीन्स जब भी डेटा रिसीव होगा तो ये आप यहां से कर सकते हो और ट्रांसमिट करने के लिए आप यहां से कर सकते हो ये भी आपसे पूछ सकता है कि आर एक्स के लिए कौन सी पिन यूज होती है तो आंसर आएगा जीरो फिर आएगा वन ट्रांसफर करने के लिए साथ ही साथ ये है यू एस बी पोर्ट ये है रीसेट बटन जहाँ से आप प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हो और इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो ये होता है वी सी सी पोर्ट यहां से आप 5 वोल्ट की करंट पास कर सकते हो यहां से आप प्रोग्राम के थ्रू रिसेट कर सकते हो जबकि आप यहां पर हार्डली प्रेस कर सकते हो जो भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई करनी होती है वो आप इस पोर्ट से करते हो जबकि प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए या फिर आरडिनो और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूएसबी पोर्ट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो सीरियल कम्युनिकेशन होता है जिसके लिए एक सर्किट होता है दैट इज़ कॉल्ड यू तो आपको यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई है जो ये है क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर सॉरी माइक्रो कंट्रोलर कौन सा एटी मेगा थ्री टू एट पी ये एट बिट पर आधारित है जो कि आर आई एस सी बेस्ड है और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो एटी मेगा थ्री टू एट पी है इसमें कितने के बी का फ्लैश मेमोरी मिलता है और जो फ्लैश मेमोरी होती है ये नॉन वोलाटाइल होती है और इसमें आपको मिलती है थर्टी टू किलोबाइट की फ्लैश मेमोरी जहाँ पे आप रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो एक किलोबाइट का ई पी रोम होता है जहाँ पे आप वोल्टेज के थ्रू डेटा को इरेज कर सकते हो और यहाँ पर ले सकते हो दो के बी की स्टैटिक रैम मिलती है ट्वेंटी थ्री जी पी आई ओ और जी पी आई ओ का फुल फॉर्म पूछता है जनरल पर्पज़ इन इनपुट आउटपुट जी जी पी आई ओ का फुलफाम होता है और यहाँ पर ट्वेंटी थ्री जी पी आई ओ होती हैं थर्टी टू थर्टी टू जनरल परपज़ वर्किंग रजिस्टर होते हैं तीन फ्लैक्सीबल काउंटर होते हैं साथ ही साथ यहाँ पर एक सीरियल प्रोग्रामेबल यू एस आर टी पोर्ट होता है जो कि एक सर्किट है और साथ ही साथ यहाँ पर टू वायर सीरियल इंटरफेस मिल जाता है एस पी आई पोर्ट होता है छः चैनल का टेन बिट ए डी कन्वर्टर होता है मिनस एनालॉग से डायरेक्ट और डायरेक्ट से एनालॉग, सॉरी एनालॉग से डिजिटल डिजिटल से एनालॉग, ठीक है तो इसको भी आप नोट कर लीजिए यहाँ से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बनता है नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड जो, जो कि आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि डब्ल्यू लाइन का स्टैंडर्ड क्या है तो आंसर आएगा आठ सौ दो दशमलव ग्यारह मीन्स वाई फाई में ये यूज़ होता है साथ ही साथ जो वाई मैक्स टेक्नोलॉजी है इसमें 8.02.16 ये स्टैंडर्ड है जबकि एल आर डब्ल्यू पैन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड है तो आप बोलोगे 8.02.15.4. जीरो टू डॉट फिफ्टीन डॉट फोर एल आर डब्ल्यू पैन का फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट करना है ताकि आपको रिकॉल होता रहे विच इन्वायरमेंट डज जी एस एन वर्क ऑन जो जी एस एन होता है ग्लोबल सेंसर नेटवर्क ये किस पे आधारित है तो आंसर आएगा जावा इन्वायरमेंट में वर्क करता है ऑप्शन भी राइट right आंसर हो जाएगा जावा का जावा को जेम्स गुजलिंग के द्वारा डेवलप किया गया था और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो आरडिनो आई है वो भी जावा सी सी प्लस प्लस में लिखी गई है ये भी बात आप याद रखें प्रोवाइड्स आ मिडल वेयर एंड अप्लीकेशन कंटेनर फॉर आई ओ टी गेटवे तो जो इक्लिप्स कूड़ा है ये मिडल वेयर और अप्लीकेशन कंटेनर के बीच में गेटवे का गेटवे प्रोवाइड करता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कैन द लूप फंक्शन बी यूज टू रिप्लेस द फंक्शनलिटी ऑफ द सेटअप फंक्शन क्या हम लूप फंक्शन को यूज कर सकते हैं सेटअप फंक्शन से तो आंसर आएगा जी हाँ आप ऐसा कर सकते हो उसकी वर्किंग को आप चेंज कर सकते हो रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं फंक्शंस हैं जहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एमक्यूटीटी इज आ प्रोटोकॉल तो एमक्यूटीटी एक मशीन टू मशीन कैसा मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल है जो कि आईओटी में वर्क होता है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एमक्यूटीटी तो आपको पता है कि एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है आई2सी का दूसरा नाम क्या है तो आई2सी जो आई2सी है इसे हम टू वायर इंटरफेस भी कहते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इनेबल्स सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ लो डब्ल्यू पैन डिवाइसेस विद इंटरनेट लेवरेजिंग तो यहां पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लो डब्ल्यू पैन का फुल फॉर्म क्या होता है तो लो ठीक है लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क और आपको बताना है कि जो लो डब्ल्यू पैन है ये किस पे वर्क करता है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई ई टी एफ नहीं नहीं यहाँ पर बात कर रहा है इनेबल्स सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ लो डब्ल्यू पैन हाँ तो इसमें आप टिक करेंगे आई आई ई टी एफ और इसके बाद में सिक्स लो डब्लू पैन ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर जो सिक्स लो डब्ल्यू पैन है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे आई पी वी सिक्स ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वॉट डू वी नीड टू डू इफ वी वॉन्ट टू रन द सेटअप फंक्शन इन एन इन्फिनाइट लूप हमें क्या करना होगा अगर हम सेटअप फंक्शन को बार बार मीन्स इन्फिनाइट लूप इनफिनाइट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो सिंपल है आप सेटअप फंक्शन को लूप के अंदर से कॉल कर लीजिए तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और एक बात कि जो आर्डिनो का प्रोग्राम होता है उसमें कम से कम दो फंक्शन मेडेंट्री होते हैं पहला होता है सेटअप जो कि कम से कम सॉरी जो सेटअप फंक्शन है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है जबकि जो लूप फंक्शन है उसके स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं जब तक कि उसमें उसमें पावर सप्लाई आप पास करते रहोगे कौन सा प्रोटोकॉल आईओटी में सभी डिवाइसेस को लिंक करने के लिए यूज़ किया जाता है तो आंसर आ जाएगा टी और टी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसमें चार लेयर्स होती हैं जबकि यू का फुल फॉर्म यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है इसमें जो डेटा होता है वो डेटाग्राम की फॉर्म में होता है हाउ मनी टाइम्स विल द कोड रन जो ये आपको कोड दिया गया है ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा तो आप यहाँ पर पाएँ जो वेरिएबल है इसको वन से इेसलाइज किया गया है किससे वन से, से इेसलाइज किया गया है और यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जा रहा है ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि वैल्यू पाँच या फिर पाँच से छोटी रहे तो आप पाओगे पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार और फिर पाँच यानी कि लूप पाँच बार चलने वाला है और जैसे जैसे आई की वैल्यू छः हो जाएगी तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा फाइव बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के क्या बेनिफिट हैं तो सबसे पहले तो ये तेज़ है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास जो भी कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर हैं हार्डवेयर हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक like कर दिया होगा ट्वेंटी फाइव बताइए जी इनेबल्स ओपन अप्लीकेशन लेयर फॉर कंस्टेंट नोट्स तो कंस्टेंट अगर आपको सी ओ ए पी का पता होगा तो आप तुरंत टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर ई और जो सी ओ ए पी है ये भी एक अप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है कंस्टेंट अप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है ए मेगा थ्री टू एट में कितनी फ्लैश मेमोरी है तो मैंने आपसे भी कहा है थर्टी टू किलोबाइट की फ्लैश मेमोरी होती है और फ्लैश मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है कोर एलिमेंट को किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है तो आंसर आ जाएगा आईओटी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि पास का फुल फॉर्म क्या है तो फ्ले प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस सॉफ्टवेयर एज़ आ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ आ सर्विस इन तीनों की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए पूछ सकता है जो स्टेपर मोटर हैं वो कैसी मोटर होती हैं तो जो स्टेपर मोटर है उसे आप लोग आरडियनों के साथ में काम करते हो रोबोट में यूज़ करते हो और इसमें आप डीसी करंट पास कर सकते डीसी करंट पास करते हो मीन्स डीसी करंट में ऑपरेट करती हैं डायरेक्ट करंट में ऑपरेट करती हैं मीन्स यहाँ पर प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट होता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्चुएटर इन आईओटी आईओटी में इनमें से कौन एक एक्चुएटर नहीं है तो एक बात आप याद रखें सेंसर एक्चुएटर ये दोनों ही ट्रांसड्यूसर होते हैं क्योंकि यहाँ पर डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर सेंसर में क्या होता है आप सेंसर क्या करता है एनवायरनमेंट से जो भी डेटाज़ हैं उसको कलेक्ट करता है कलेक्ट करने के बाद सिग्नल देता है जबकि एक्चुएटर में इसका उल्टा होता है इसमें आप सिग्नल देते हो तो वो वहाँ पर मोशन करता है मूवमेंट करता है जबकि आप पाओगे मोटर में क्या होगा आप दोगे करेंट तो वो मूवमेंट करेगी इसी प्रकार से फ़ैन भी है एल एल का फुल फॉर्म लाइट इमेटिंग डायोड होता है इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी आरडियोनो एक एक्चुएटर नहीं है आई ओ टी डिवाइस आर नेचुरली वनरेबल टू थ्रेट्स आई ओ टी डिवाइस स्वाभाविक रूप से खतरों के प्रति संवेदनशील हैं एक मिनट बताइए इसका आंसर क्या होगा पानी पी के आता हूँ आवाज़ नहीं निकल पा रही है बताइए थर्टी का राइट आंसर क्या होगा बताइए बिल्कुल सही है अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्योरिटी क्योंकि जो आई ओ टी डिवाइसेज़ हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो सिक्योरिटी की नेक्स्ट टैक्स डिवाइसेस स्मार्टफोन यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन तो अगर आपको आर एफ आई डी का फुलफॉर्म पता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और एन एफ सी का फुलफॉर्म नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में छप सकता है नेक्स्ट थर्टी टू ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट होते हैं तो आंसर आ जाएगा सात एलिमेंट होते हैं ऑप्शन भी राइट right आंसर हो जाएगा आई का फुल का क्या है तो आई ओ टी ए का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा स्पीड करता हूं क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और वीडियो लेंथी हो जाएगी और मैं स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट आर्डिनो आईओटी उपकरणों में आई टू सी तक पहुंचने के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है तो आंसर आ जाएगा सर वायर लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा और जो आई टू सी होता है जो आई टू सी होता है यह सिंक्रोनस और सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है अगर आपको यहां पर एक्टिव करना है तो आप लिखोगे वायर यानी कि लाइब्रेरी का नाम डॉट बिगिन। जैसे आप लिखते हो सीरियल डॉट बिगिन उसी प्रकार से आप लिखोगे वायर डॉट बिगिन तो ये बात आप याद रखें और इसके बाद में थर्टी फाइव सपोर्ट्स लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन तो जो ब्लूटूथ है ये काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है नेक्स्ट आईओटी एनालिटिक्स के लिए निम्न में से कौन सी लैंग्वेज पसंद की जाती है तो आंसर आ जाएगा पाइथन लैंग्वेज को प्रिफर किया गया है पाइथन लैंग्वेज को गीडो वैन रोसम के द्वारा डेवलप किया गया था पाइथन थ्री पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वह व्यक्ति जो संदेश प्रसारित करता है तो जो सेंडर होता है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है जबकि जो रिसीवर है उस मैसेज को एक्सेप्ट करता है तो 37 का राइट right आंसर हो जाएगा सेंडर इज द राइट आंसर नेक्स्ट एम के मानक पोर्ट हैं तो जो एम है ये किस पे काम करता है तो एम क्यू टी क्या टीसीपी आईपी पे काम करता है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट थर्टी नाइन स्पेसिफिकेशन डिफाइनिंग द फिजिकल एंड मैक लेयर ऑफ लो पावर डिवाइसेस वो कौन सा स्पेसिफिकेशन है जिसमें फिजिकल और मैक लेयर के जो भी लो पावर डिवाइसेस उनको डिफाइन किया गया है और आपके सामने ये ऑप्शन हैं तो यहां पर स्पेसिफिकेशन फिजिकल एयर की बात आई है तो यहां पर आप टिक करोगे आए यहां कुछ मिस्टेक हो गई है आए ट्रिपल ई आठ सौ दो दशमलव पंद्रह दशमलव चार लो डब्ल्यू पैन ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए रिसोर्सेस आर आइडेंटिफाइड बाय यू आर आई तो यू आर आई के द्वारा जो भी सीओ ए पी रिसोर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है सी ओ ए पी नेटवर्क में मीन्स कि जो भी आई का नेटवर्क और नोड्स कंस्टेंट होता है वहाँ पर ये काम करता है सी ओ प्रोटोकॉल नेक्स्ट अ सेंसर यूज फॉर मॉनिटरिंग वेदर ह्यूमिडिटी कंडीशन इज कॉल्ड तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी सेंसर यानी कि अगर आपको चेक करना है आर्द्रता कितनी है तो आप यहाँ पर इस सेंसर का यूज़ कर सकते हो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो आप इस वीडियो को स्लो कर सकते हो विच आर्डिनो बोर्ड इज फेमस फॉर इंटीग्रेशन विद फैब्रिक बेस्ड प्रोजेक्ट तो जो भी संबंध जो भी प्रोजेक्ट कपड़ों से संबंधित होंगे वहां पर आपका आएगा लिली पैड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जो कि आर्डिनो का ही एक टाइप है एक बोर्ड है ठीक है नेक्स्ट आईडीई में कितनी बार सेटअप फंक्शन चलता है तो आई में जो सेटअप फंक्शन है वो एक बार चलता है जबकि जो लूप फंक्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है नेक्स्ट हैविंग कॉन्सीस नॉलेज ऑफ योर ऑन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग्स एंड वंस ऑन कैरेक्टर इज कॉल्ड दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस नेक्स्ट निम्न में से कौन सी लेयर आईओटी में एंड टू एंड संचार प्रदान करती है लॉजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर सेशन लेयर आंसर आ जाएगा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है जहां पे टी और यू काम करते हैं ये एंड टू एंड लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है साथ ही साथ जो मैक एड्रेस है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है सेशन लेयर को हम पोर्ट लेयर भी कहते हैं और ओएसआई मॉडल में सात लेयर्स होती हैं ओएसआई को आई के द्वारा डेवलप किया गया था ओएसआई का फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है नेक्स्ट एल एम थर्टी फाइव तो आपको पता है कि जो एल एम थर्टी फाइव सेंसर है ये एक टेम्परेचर सेंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा और इस बात को भी आप याद रखें आ, हाँ जो एल एम थर्टी फाइव है ना इसमें तीन लेग्स होती हैं मीन्स तीन पिन होती हैं एक में आप ग्राउंड पास कर सकते हो एक होती है वी सी सी के लिए और एक होती है वी आउट के लिए तो ये भी इस बात आप याद रखें आपसे पूछ सकता है एल एम थर्टी फाइव सेंसर में कितनी टांगे होती हैं कितने पिंस होते हैं कितने लेग्स होते हैं तो आंसर आएगा तीन होते हैं फोर्टी सेवन डब्ल्यू एस एन का क्या है तो डब्ल्यू एस एन का वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट फोर्टी एट आरडिनो में ए आर ई एफ पिन का काम क्या है तो ए आर ई एफ़ का फुल फॉर्म एनालॉग रेफरेंस होता है और इसका काम होता है कि जो भी एनालॉग वोल्टेज हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज के रूप में यूज़ करना ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है हिंदी इंग्लिश करने में ठीक है तो वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ ए आर ई हाँ जी ठीक है इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है इट इज़ यूज एज रेफरेंस वोल्टेज फॉर ऑल एनालॉग वोल्टेज कैलकुलेशन इन द बोर्ड ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा वॉट इज ह्यूमिडिटी सेंसर तो जो हाइग्रोमीटर होता है जो एक डिवाइस है इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर का यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा <clears throat> नेक्स्ट हाँ तो क्या है जो हाइग्रोमीटर है ये एक डिवाइस है जिसमें ह्यूमिडिटी सेंसर का यूज़ किया जाता है फिफ्टी आ कनेक्ट्स टू सेंडर टू रिसीवर तो जो चैनल होता है जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो सेंडर और रिसीवर को क्या करता है जोड़ता है कनेक्ट करता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा द एटी मेगा थ्री टू एट पी आ तो आपको याद हो तो मैंने आपसे भी कुछ टाइम पहले बताया था कि जो एटी मेगा थ्री टू एट पी है ये आर आई एस सी पर आधारित है किस पे आधारित है आर आई एस सी पे आधारित है और आर आई एस सी का फुल फॉर्म रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है एक होता है सी आई एस सी तो सी आई एस सी का फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है सी आई एस सी स्लो है आर आई एस सी फास्ट है नेक्स्ट द टू ग्राउंड द सर्किट पिन इज यूज इन आर्डियोनो तो अगर आप किसी सर्किट को ग्राउंड करना चाहते हो तो आपको उसे जी एन डी इस पिन से कनेक्ट करना होगा वॉट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर वैल्यू दैट द एल एम थर्टी फाइव टेम्परेचर सेंसर मड्यूल कैन रीड वो कौन सा अधिकतम तापमान है जो कि एल एम थर्टी फाइव जो कि टेम्परेचर सेंसर है जिसमें तीन पिनस होती हैं वो नाप सकता है रीड कर सकता है तो आंसर आएगा 150 डिग्री तक की जो डेटा है मैक्सिमम रीड कर सकता है तो मिनिमम कितना होता है तो आंसर आ जाएगा मिनिमम होता है माइनस फिफ्टी डिग्री कितना होता है माइनस फिफ्टी डिग्री होता है अधिकतम 150 डिग्री होता है एल पी डब्ल्यू डब्ल्यू ए एन का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताओगे सर एल से हो जाएगा लो पी से हो जाएगा पावर और डब्ल्यू से हो जाएगा वाइड ए से हो जाएगा एरिया एन से हो जाएगा नेटवर्क मीन्स इसकी शक्ल ऑप्शन बी से मैच कर रही है नेक्स्ट 54, फोर हाउ मैनी टाइम्स डज द लूप फंक्शन रन ऑन एवरी स्टार्टअप ऑफ द आर्डिनो सिस्टम जितनी बार जितनी बार आप आर्डिनो सिस्टम को आ, एक्टिव करते हो ऑन करते हो उतनी बार सेटअप फंक्शन चलता है मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने आर्डिनो बोर्ड को रिसेट किया तो जो सेटअप फंक्शन है वो एक बार चलेगा लेकिन जो लूप फंक्शन है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है तो उसमें आप टिक कर दोगे इनफिनाइट टिल द पावर इज सप्लाइड टू द आर्डिनो यानी कि जब तक कि आर्डिनो में सप्लाई मिलती रहेगी तब तक लूप फंक्शन चलता रहेगा जबकि सेटअप फंक्शन सिर्फ एक बार चलता है फिफ्टी फाइव सेंसर दैट डिटेक्ट्स आई आर लाइट इज कॉल्ड तो ऐसा सेंसर जो कि आई आर मींस इन्फ्रा रेड इंफ्रारेड लाइट को कंज्यूम करे उसको पकड़े दैट इज कॉल्ड आई आर सेंसर नेक्स्ट 56 सिक्स इज आ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज एज इविडेंट इन लीगल केसेस और ध्यान दीजिए मैंने अभी तक आपको इसका आंसर कराया है मिनट्स ऑफ मीटिंग जब हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग और नोटिस में काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला कि जो नोटिस है ये इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वाला आएगा तो अब आपको टिक करना है नोटिस नोटिस इज द हंड्रेड परसेंट राइट आंसर तो अभी आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग टिक नहीं करना है नोटिस को आप लीगल केसेस में एज आ एविडेंस एज आ प्रूफ आप इसको यूज कर सकते हो नोटिस इज द राइट आंसर हालांकि मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है मिनट्स ऑफ मीटिंग जो कि सही नहीं है इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना नोटिस है नेक्स्ट व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ आरडिनो ऊनो बोर्ड तो जो आरडिनो ऊनो बोर्ड है ये 16 मेगा पर ऑपरेट करता है हालांकि आप यहां पर 20 मेगा को भी यूज़ में ले सकते हो लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है एडवाइस आपको नहीं दी जाती है कि आप इसमें इतने ऑपरेटिंग सिस्टम पे इतने ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पे इसको ऑपरेट करवाओ नेक्स्ट ए आर ई एफ का फुल फॉर्म तो ए आर ई एफ का फुल फॉर्म एनालॉग रेफरेंस होता है ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा हाउ मच प्रोग्राम मेमोरी डज द आरडिनो ऊनो है तो मैंने आपसे अभी कहा है थर्टी टू किलो बाइट की मेमोरी होती है तो फिफ्टी नाइन में आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी ईच माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द आरडिनो इज प्री प्रोग्रामड बाय द बूट लोडर तो इसमें आ जाएगा क्या बूट लोडर जिस प्रकार से आपका जो कंप्यूटर इसमें होता है बायोस उसी प्रकार से यहाँ पर होता है क्या बूट लोडर जिसकी सहायता से जो कि एक प्री डिफाइंड होता है और प्रत्येक माइक्रो कंट्रोलर में होता है नेक्स्ट एल का फुल फॉर्म तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल का फुल फॉर्म हो जाएगा एक होता है एल तो एल का फुल फॉर्म लाइट इमेटिंग डायोड होता है 62 टू एन ओपन सोर्स स्टैक फॉर गेटवे वे एंड द एज तो आंसर आ जाएगा इक्लिप्स क्यूरा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आई का फुल फॉर्म तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एक होता है आई तो आई का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरमेंट होता है नेक्स्ट विच वन ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द एफ एल्स स्टेटमेंट मीन्स कि वो कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि एफ एल्स की तरीके है तो आपने यूज़ किया होगा एफ एल्स एफ एल्स तो उसका अल्टरनेटिव होता है स्विच स्विच क्या है कीवर्ड है केस क्या है कीवर्ड है इन दोनों की सहायता से बनता है कंट्रोल स्ट्रक्चर जो कि इफ एल्स का अल्टरनेटिव है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जबकि फॉर वाइल और डू वाइल ये क्या हैं तो ये लूप्स हैं आइडेंटिफाई द पोलाइट मैथड ऑफ बिगनिंग बिजनेस लेटर बिजनेस लेटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा एक प्रॉपर मैथड सही है तो इसमें आप टिक कर सकते हो वी अप्रिसिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज आ पार्ट ऑफ जो कम्युनिकेशन है ये सॉफ्ट स्किल का पार्ट है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर सेंसर मेजर्स जो टेम्परेचर सेंसर है वो टेम्परेचर को कौन सी इकाई में मापता है तो आंसर आएगा सेंटीग्रेड फॉरन और केल्विन ये तीनों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अगर आपका किसी क्वेश्चन के प्रति कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं मैं उस पर सोचूंगा हालांकि मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको एग्जैक्ट प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करूँ नेक्स्ट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज बाई आर IDE, IoT आई डी ई आई ओ टी सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड तो कोड लिखने के लिए हम C और C++ का यूज करते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जबकि जो Arduino की आई है इसे जावा में लिखा गया है बट यहां पर पूछा गया है कि आप कोडिंग किसमें करोगे तो आंसर आएगा C, C++ प्लस प्लस इज द राइट आंसर आई ए एन ए का क्या होता है बताइए जी जो आई ए एन ए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो आंसर आ जाएगा इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी क्या हो जाएगा इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी यानी कि यहां पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट सेवेंटी इज देयर आर डिफरेंस बिटवीन इट्रेशन एंड रिकर्सन जी बिल्कुल है इट्रेशन में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होते हैं जबकि रिकर्सन में क्या होता है फंक्शन खुद को कॉल करता है तो ये दोनों क्या हैं ये दोनों अलग हैं यानी कि यहाँ पर डिफरेंस है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सेवेंटी वन फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच ए आई जो चेहरा को पहचानने का सिस्टम है वो कौन सी ए आई पर आधारित है तो आंसर आ जाएगा एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सेवेंटी टू इंटरव्यूज आर कन्वर्सेशन विद तो इंटर जो इंटरव्यू होते हैं उनमें एक पर्पज़ होता है ऑप्शन बी पर्पज मीन्स कि जो सामने वाला है उसके अंदर कौन कौन से टैलेंट्स हैं उसको जानने का पर्पज़ होता है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यू ए आर टी का फुलफॉर्म क्या होता है बताइए जी यू ए आर टी का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये यू ए आर टी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर होता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा एक बात ध्यान दीजिएगा क्या ध्यान रखना है कि जो यू ए आर टी है जो यू ए आर टी है ये एक फ़िजिकल सर्किट है ना कि प्रोटोकॉल है जबकि जो एस पी आई है या फिर आई टू सी हैं ये प्रोटोकॉल हैं तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेशर सेंसर जनरेट्स आउटपुट इन जो प्रेशर सेंसर हैं वो आउटपुट किस फॉर्म में जनरेट करते हैं डिजिटल एनालॉग या फिर दोनों में या फिर हीट में तो ध्यान दीजिए जो प्रेशर सेंसर है या टेम्परेचर सेंसर है ये आपको देता है कंटिन्यूस आउटपुट मीन्स एनालॉग ऑप्शन भी राइट right आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज लाइट वेट कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट है आंसर आ जाएगा MQTT टी टी लाइट वेट प्रोटोकॉल है और ये एच टी टी पी से ज्यादा लाइट है तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी द फंक्शन विच रिपीडिटली एग्जीक्यूट इन द मेन प्रोग्राम तो जो ऐसा फंक्शन जो किसी कोड को जो मेन प्रोग्राम को लगातार रिपीट कर रहा है एग्जीक्यूट कर रहा है वो होता है लूप फंक्शन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वॉट इज द पर्पज़ ऑफ द फॉलोविंग कोड जो ये आपको पाइथन कोड दिया गया है जो ये आपको आर्डिनो कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा इसका पर्पज़ क्या है तो आपने देखा कि यहाँ पर यूज हुआ है सीरियल डॉट बेगिन मीन्स यहाँ पर सीरियल मॉनिटर का यूज़ किया जाना है मीन्स जो डेटा है वो कंप्यूटर और आर्डिनो के बीच में ट्रेवल करने वाला है मीन्स यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन होने वाला है तो आपको पता है कि जो भी आप यहाँ पर पास करते हो बिगिन के अंदर दैट इज़ कॉल्ड बॉड रेट मीन्स कि जो आर्डिनो है वो किस रेट में कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा जो कि सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट होगा इसी प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है राइट कि भैया राइट क्या करना है तो हमने कहा कि फोर्टी राइट करना है मीनस यहां पर फोर्टी बाइट यहां पर क्या कह रहा है जो बाइट है जिसकी वैल्यू फोर्टी है उसको सेंड किया जाएगा सीरियल पिन के थ्रू तो इसमें आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए सेंड आ बाइट विद वैल्यू फोर्टी थ्रू द सीरियल पिन ऑप्शन ए राइट आंसर सेवेंटी एट जनरेट अनॉलॉग काइंड ऑफ आउटपुट सिग्नल जो अनलॉक सेंसर होते हैं वो किस प्रकार के सिग्नल जनरेट करते हैं तो आंसर आ जाएगा वो कंटिन्यूस आउटपुट देते हैं ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वॉट इज़ द यूज ऑफ आर डिनो डॉट एच जो आर डिनो डॉट एच जो हेडर फाइल है और आपसे पूछता है कि हेडर फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है तो आंसर आएगा डॉट ए एच होता है और जब भी हमें कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है तो हम लोग यहाँ पर हैज इंक्लूड इस प्री प्रोसेसर डायरेक्ट्री का यूज़ करते हैं तो इसका काम क्या है इसका काम यह है कि आरडिनो जो हेडर फाइल है इसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं जो भी वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस करना तो इसमें आ जाएगा क्या इट इनेबल्स द प्रोग्रामर टू एक्सेस ऑल द आरडियोनो स्कोर फंक्शनलिटी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी ठीक नेक्स्ट सेवेंटी एट्टी द आर्डियोनो बोर्ड इज आल्सो कॉल्ड अ आरडियोनो बोर्ड को हम और किस नाम से बुला सकते हैं तो आंसर आएगा इसे हम माइक्रो कंट्रोलर भी बोल सकते हैं ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा द एंड इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द लिसनर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग मीन्स ये कोई अगर बोल रहा है कोई स्पीकर बोल रहा है तो जो उसकी टोन है और जो उसकी पिच है ये काफ़ी सहायक होती हैं मीन्स कि उसका सुर और लय क्या है उसकी जो वॉइस है उसकी क्वालिटी क्या है दैट इज़ कॉल्ड टोन साथ ही साथ सॉरी उसको बोलते हैं पिच और जिस फ्रिक्वेंसी में वो बोल रहा है स्पीड में या फिर धीमी या फिर तेज में दैट इज़ कॉल्ड पिच तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिच एंड टोन टोन का मतलब क्या होता है क्वालिटी बोलने की जबकि पिच का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा जो नोटिस होती है इसमें टाइम प्लेस डेट और एजेंडा ये सारे ही मेंशन होते हैं आपको यहां पर दो पिंस दी गई हैं एक पिन वन है और एक पिन टू है जिसमें वन ज़ीरो वन ये रिजल्ट दिया जा रहा है जहाँ पर वन का मतलब है पाँच वोल्ट और ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो वोल्ट तो आप यहाँ पर देखें एक पिन नंबर वन है जिसको कनेक्ट किया गया है ट्वेल्व पे मीन्स एक वेरिएबल पिन वन है जिसमें पिन नंबर ट्वेल्व को असाइन किया गया है पिन नंबर टू वेरिएबल में एलेवन पिन को असाइन किया गया है फिर यहाँ पर जो पहली पिन है इसको एज़ आ आउटपुट और जो पिन नंबर टू है इसको एज आ इनपुट यूज़ किया गया है फिर यहाँ पर सीरियल की वैल्यू फिक्स कर दी गई है बॉड रेट 96,000 है 9600 है जबकि फिर यहाँ पर आता है लूप तो लूप के अंदर लगी हुई है कंडीशन डिजिटल राइट जो पिन टू की वैल्यू है अगर वो इक्वलेंट है वन के तो आपको पिन वन पे करना है लूप तो आप यहां पर देखो सबसे पहले आएगा वन तो वन यहां पर रखा जाएगा तो क्या वन इक्वल इक्वल, इक्वल वन के है तो जी हां मींस कंडीशन हो जाएगी ट्रू और यहां से जो पिन वन है उसको लो कर दिया जाएगा मींस क्या होगा जीरो प्रिंट हो जाएगा भाई लो का मतलब क्या होता है जीरो इसको मैं करता हूं क्लीन ठीक जीरो देन इसके बाद यहां से पास होगा जीरो तो यहाँ पर आएगा ज़ीरो क्या जीरो वन के बराबर है मालूम पड़ा नहीं यानी कि जो इफ की कंडीशन है वो हो जाएगी फॉल्स देन यहाँ पर आएगा चेक करेगा क्या वैल्यू जीरो है तो मालूम पड़ा हाँ तो इसका मतलब ये है कि पिन नंबर वन को हाई कर दीजिए और हाई का मतलब होता है वन तो यहाँ पर आ जाएगा वन इसके बाद में पास किया जाएगा वन तो जब यहाँ पर वन आएगा तो जो वन है वो वन के बराबर होता है और पिन को लो कर दिया जाएगा न्स जीरो आएगा इसी प्रकार से अब पास किया जाएगा वन तो यहाँ पर कंडीशन सही हो जाएगी और फिर से यहाँ पर लो प्रिंट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो वन जीरो जीरो यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कम्युनिकेशन इज आ नॉन स्टॉप तो आंसर आएगा प्रोसेस जो कम्युनिकेशन है ये एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सोनोस इज आ सिस्टम दैट यूजेस कौन सा वायरलेस स्पीकर तो जो सोनोस है ये एक सिस्टम है एक बोल सकते हो एप्लीकेशन है तो इसमें हाई फाई वायरलेस स्पीकर का यूज़ किया जाता है ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा 85 फाइव स्मार्ट फिटनेस क्लॉथिंग मेनली हैज विच डिवाइस जो स्मार्ट फिटनेस कपड़े होते हैं उसमें कौन सी डिवाइस होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं उसको चेक करने के लिए यहाँ पर सेंसर का यूज़ किया जाएगा सेंसर डेटा को कलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जो सेंसर हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक होता है एक्टिव सेंसर और एक होता है पैसिव सेंसर एल डी आर स्विचेस ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑन और ऑफ डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर तो जो एल डी आर सेंसर होता है जो एल डी आर सेंसर होता है ये डे और लाइट इंसिडेंट पे काम करता है मीन्स जैसे ही रोशनी डाउन होती जाएगी तो ये ग्लो होता जाएगा आपने देखा होगा स्ट्रीट सोलर लाइट वहाँ पे क्या होता है जैसे रात हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर लाइट ग्लो हो जाती है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा डे लाइट इंसिडेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन आई ओ टी आर्किटेक्चर तो आंसर आ जाएगा ओपन आई ओ टी आर्किटेक्चर में सात एलिमेंट्स हैं ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन से तो पहला हो जाएगा सेंसर दूसरा हो जाएगा क्लाउड डेटा स्टोरेज शेड्यूलर सर्विस डिलीवरी रिक्वेस्ट डेफिनेशन रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन कन्फिग्रेशन एंड मॉनिटरिंग तो ये सात एलिमेंट हैं जो कि ओपन आई ओ टी आर्किटेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सेंसर तो एक्सलोरोमीटर लाइट सेंसर प्रेशर सेंसर ये सारे ही सेंसर एनालॉग सेंसर हैं ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 89 नाइन द आरडियोनो डिसमिला हैज 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस ऑफ विच पिंस कैन प्रोवाइड पीडब्ल्यू एम पिन पीडब्ल्यू एम आउटपुट जो आरडिनो यहाँ पे आप कर लीजिए ऊनो ठीक आर डिनो ऊनो जो आरडिनो ऊनो है इसमें चौदह डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है जिनमें से कौन सी पिन पी डब्ल्यू एम आउटपुट प्रोवाइड करती है तो मैंने आपसे अभी कहा था कि जो आरडिनो ऊनो है इसमें पिन नंबर तीन पिन नंबर पाँच पिन नंबर छः पिन नंबर नौ पिन नंबर दस पिन नंबर ग्यारह टोटल छः पिंस होती हैं जो कि पी डब्ल्यू एम होती हैं मीन्स पल्स विद मॉड्यूलेशन में होता है तो आप ये कह सकते हो क्या कहना है कि सर ये बताइए कि इसकी सॉल्ट्रिक क्या है इसको हम कैसे याद रखें कि कौन कौन सी पिन पल्स विद मॉड्यूलेशन पिन होती हैं तो सिंपल सी है कोई बॉलर है और बैट्समैन है तो बैटमैन बोलता है बॉलर से कि भैया तीन पाँच ना करो सिक्स लगा दूंगा बॉल नौ दो ग्यारह हो जाएगी आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखिए कि जो बैटमैन है वो बॉलर से बोलता है कि हमसे तीन पाँच ना करो नहीं तो मैं बॉल पे सिक्स लगा दूंगा बॉल सिक्स जो बॉल है वो नौ दो ग्यारह हो जाएगी ठीक है तो इसमें आप देखें यहाँ पर तो पिन नंबर एक तो होती नहीं है चार भी नहीं होती है छः होती है तो इसमें आप टिक कर दोगे ऑप्शन नंबर सी ई रोम का फॉर्म क्या होता है तो ई e रोम का फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा और ये भी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है वॉट इज द यूनिट ऑफ द डिले इन द कोड गीवे बिलो अब कुछ लोग क्या करते हैं क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो आप यहाँ पर पूछें बोलना चाह रहा है कि जो डिले मैथड है इसकी यूनिट क्या होती है तो आपको पता है कि डिले के अंदर अगर आपको एक सेकंड का डिले करना है तो आप यहाँ पर एक हज़ार मिली सेकेंड पास करते हो मींस कि जो डिले मेथड है ये मिली सेकेंड्स में वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और तो इसमें आप टिक करोगे मिली सेकेंड मिली सेकेंड ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नाइन्टी टू विच ऑफ़ दिस शुड बी अवॉइडेड वाइल्ड स्पीकिंग जब भी आप बोल रहे हो तो आपको इनमें से कौन सी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए मीन्स परहेज करना चाहिए तो जो जॉर्गन्स होते हैं लाइक like शॉर्टकट आपने देखा होगा कि हम लोग लिखते हैं जी एन मतलब क्या होता है गुड नाइट हमने कर दिया पी एल जेड का मतलब क्या होता है प्लीज हमने कर दिया जी एम उसका मतलब क्या होता है गुड मॉर्निंग तो आपको ऐसे जो जॉर्गन्स होते हैं इनको यूज़ नहीं करना चाहिए ऑप्शन भी राइट right आंसर हो जाएगा वॉट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आई ओ टी स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड का रोल क्या होता है बताइए जी और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको कन्फ्यूज़ करते हैं तो आप कन्फ्यूज़ ना हो तो इसके लिए हमने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन साथ में रख लिए हैं तो जो क्लाउड होता है इसका रोल होता है क्या डेटा को मैनेज करना तो ऑप्शन भी राइट right आंसर हो जाएगा जबकि जो बिग डेटा है इसका रोल होता है डेटा को स्टोर करना जबकि जो गेटवे होता है इसका रोल होता है डेटा को कलेक्ट करना इस बात को आप याद रखें तीनों पॉइंट्स मैंने आपको एक ही प्लेस पे प्रोवाइड कर दिए हैं आई में जो जावा जो जावा फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंसन क्या होता है तो आंसर आएगा डॉट जार ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ माइक एड्रेस तो जो माइक एड्रेस है इसकी लेंथ 48 बिट्स होती है तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी या आप बोल सकते हो सिक्स बाइट होती है हु ऑपरेट द कोर एलिमेंट तो जो आई ओ टी सर्विस प्रोवाइडर होता है ये कोर एलिमेंट को ऑपरेट करता है थ्रू ए पी आई सर्विस पोर्टेबिलिटी इज इनेबल्ड तो जो सिस्टम सर्विस होती है उसकी पोर्टेबिलिटी इनेबल हो जाती है ए पी आई के थ्रू और ए पी आई का फुल फॉर्म अप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है तो इसमें आ जाएगा सिस्टम नेक्स्ट 98 आईटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 99 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिजोल्यूशन एक्सप्रेस्ड जो रेजोल्यूशन होता है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं किस में प्रेजेंट करते हैं तो आंसर आ जाएगा बिट्स में प्रेजेंट करते हैं और एट बिट्स का जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड बाइट और फोर बिट का जो ग्रुप होता, होता है दैट इज़ कॉल्ड निबल नेक्स्ट आई आई ओ टी का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है आई होप कि आपको इस क्लास से काफ़ी सहायता मिली होगी चूँकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बोल बोल के मैं थक गया था क्योंकि हमने हाल ही में आज ही के डेट में एम टू एम थ्री और एम फोर तीनों की क्लास रिकॉर्ड की है लगातार बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है आपका एग्जाम अच्छा हो ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना और कामना है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक वीडियो को लाइक कर दीजिए जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू फ्रेंड्स हेलो हेलो